कृषि कानूनों के खिलाफ किसान कड़ाके की सर्दी में भी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर धरने पर डटे हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने 5 पेज का गोलमाल प्रपोजल भेजा है, इसमें पुरानी बातों पर ही जोर है। सरकार ने वही पॉइंट भेजे जो 9 दिसंबर के प्रपोजल में थे। सरकार पुराने प्रपोजल पर बातचीत चाहती है, कानून रद्द करने और नया कानून लाने की मांग पर चर्चा नहीं चाहती। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। सरकार से बातचीत को लेकर किसान आज मीटिंग करेंगे। इसमें पंजाब और राष्ट्रीय किसान संगठनों के नेता शामिल होंगे। वे तय करेंगे कि सरकार से चर्चा करनी है या नहीं। आपको यहां बता दें कि सरकार की तरफ से रविवार रात किसानों को बातचीत के न्योते की चिट्ठी भेजी गई थी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि मंत्री से मीटिंग का न्योता नहीं मिला है। जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती, किसान पीछे नहीं हटेंगे। सभी मुद्दे सुलझाने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। सरकार हमारे पास आएगी। बताते चले कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर जहां जहां किसान धरने दे रहे हैं, वहां भूख हड़ताल भी जारी है। हर दिन 11 किसान 24 घंटे के उपवास पर बैठेंगे। वहीं हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री किए जाएंगे। किसानों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, वह आंदोलनरत रहेंगे। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.